हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी चैनल पर। तो इस चैनल पर अभी हम देख रहे हैं बेसिक एचटीएमएल और सीएसएस का ट्यूटोरियल। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने हमारे वेब पेज में इमेज लगाना सीख लिया था, तो आज हम हमारे वेब पेज के अंदर लिंक लगाना सीखते हैं। जब भी आपने कभी किसी वेब पेज के अंदर देखा होगा कि वहां पर कहीं पर ऊपर मेन्यूज बने होते हैं या कहीं पर कोई लिंक दी हुई होती है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो किसी एक अलग ही पेज के ऊपर चले जाते हैं। तो वो लिंक हमारे वेब पेज में कैसे आती है, तो आज हम वो चीज देख लेते हैं। आ जाते हैं हमारे वेब टेक्स्ट एडिटर पर। यहाँ पर जो है, हम जब भी किसी लिंक को बनाते हैं तो लिंक बनाने के लिए हम जिस टैग का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग लगाने के लिए हम सिंपली एक ए लिखते हैं। इस ए के अंदर होता है हमारा एचरेफ, ये होता है हमारा लिंक। यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे उस पेज का नाम जिसके ऊपर हमें हमारे हमें रीडायरेक्ट करवाना है इस लिंक पर क्लिक करने के बाद। तो जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इमेज टैग बनाया था, तो मैं अपना इमेज के पेज का नाम लिख देता हूँ image.html। उसके बाद मैं यहाँ पर हमारा एंकर टैग बंद कर देता हूँ। यह हमारा एंकर टैग क्लोज हो चुका है। एंकर टैग क्लोज हो जाने के बाद आप इसके बीच में, इस ए के बीच, इस ए और इसके बीच में जो भी आप चीज लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पर शो होगी एज अ लिंक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अभी लिंक। आ जाते हैं हमारे वेब ब्राउजर पर। ये देखिए दोस्तों, एक छोटी सी लिंक यहाँ पर बन चुकी है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर माउस ओवर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक पंजे का निशान बन के आ रहा है। ये पंजे का निशान है जो उसके ऊपर ऐसे उंगली लगा रहा है। और आप यहाँ नीचे बॉटम में देखेंगे हमारे, तो यहाँ पर हमारे उसका सोर्स आ रहा है कि उसके ऊपर किस चीज का सोर्स दिया हुआ है। जैसे कि हमारे फाइल में सी फोल्डर, यूजर, लिनोवो, डेस्कटॉप के ऊपर एचटीएमएल ट्यूटोरियल के हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर इमेज टैग को इसके ऊपर हमने टारगेट किया हुआ है, इमेज नाम के एचटीएमएल के पेज को। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से विजिबल होगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर अब एक बार क्लिक करूंगा तो ये हमारे हम इमेज वाले पेज के ऊपर आ गए, जो कि हमने image.html के नाम से बनाया था। इस पर हमने इमेज लगाई थी हमारी। बैक जाइए वापस, फिर से एक बार देख लेते। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। इस इमेज, इस लिंक टैग का इस्तेमाल हम कई बार हमारे फॉर्म के अंदर वगैरह के अंदर या फिर हमारे जो नेविगेशन बार होती है हमारी वेबसाइट में, जिसके अंदर कई सारे मेन्यूज होते हैं, उसके अंदर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।